नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं रियलमी के रियलमी 7 प्रो के बारे में। जी हां दोस्तों, आज मैं आपके सामने रियलमी 7 प्रो दोस्तों देखिए आपको दिख रहा होगा, आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और दोस्तों आपको बताऊंगा कि ये फ़ोन मैंने आज की डेट में क्यों खरीदा है और ये दोस्तों ये मुझे कितने रुपये का पड़ा है और मैंने इसको दोस्तों कहाँ से परचेज किया है। जी हां दोस्तों, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके सामने इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और आपको बताऊंगा कि ये फ़ोन आज की डेट में हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इसकी दोस्तों जो रेट है वो दोस्तों 20,000 रुपये 6 GB वाले वेरियंट की। बट दोस्तों अगर आपको ये फ़ोन कम प्राइस में चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और मैं आपको दोस्तों पूरा एक्सपीरियंस बताऊँगा कि ये फ़ोन मुझे कितने का पड़ा है और मैंने दोस्तों इसे कहाँ से परचेस किया है। तो दोस्तों वीडियो शुरू उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल दबा दें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रियलमी 7 प्रो दोस्तों ये फ़ोन 8 से 9 महीने पहले लॉन्च हुआ था और दोस्तों इसकी दोस्तों जो रेट है वो दोस्तों 20,000 रुपये 6 GB और 128 वाली वेरियंट की रेट दोस्तों 20,000 रुपये है। बट दोस्तों मैंने इसको फ्लिपकार्ट सेल से खरीदा है जो मुझे पड़ा है दोस्तों ये 15,999 रुपये का। दोस्तों मैं आपके सामने इसके अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या कुछ देखने को मिलता है। दोस्तों जी है वो बॉक्स, दोस्तों जी है वो बॉक्स जो फ्लिपकार्ट तरफ से आया है। चलिए इसे ओपन करता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये है इसका बिल, इसे मैं साइड में रखता हूँ, आपको बॉक्स दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए ये है वो बॉक्स रियलमी 7 प्रो जिस पर दोस्तों 700 लिखा हुआ है। सोनी का इसमें कैमरा दिया गया है 64 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा होता है दोस्तों। बाकी दोस्तों इसमें 4 कैमरे हैं लेकिन दोस्तों ये मेन कैमरा है बैक में वो 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX682 शायद। और दोस्तों इसमें 65 वॉट की सुपर डार्ट चार्जिंग दी गई है जिसमें दोस्तों आप इस फ़ोन को 40 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर सकते हो। 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ और दोस्तों स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर दिया गया है। तो दोस्तों जिन लोगों को काफ़ी हैवी मल्टीटास्किंग करनी होती है, ज़्यादा गेमिंग करनी होती है, वो लोग इस फ़ोन को देख के काफ़ी खुश होंगे क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन में आपको बिल्कुल भी हीटिंग और लैगिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसको ओपन करता हूँ। मैंने इसको मंगाया है ब्लू कलर में, मिरर ब्लू वाला, इसे ओपन करता हूँ मैं फिर आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों मैंने इसको अभी ओपन नहीं किया है, मैं आपके सामने से ओपन कर रहा हूँ। और दोस्तों जी मैंने फ्लिपकार्ट सेल से मंगाया है। तो दोस्तों इस पर एक ये सील लगी हुई है, इसको हटा दूँ मैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर हमें एक और बॉक्स मिलता है जिसके अंदर दोस्तों ये कुछ पेपर दिए गए हैं जिसमें दोस्तों आप इस फ़ोन के बारे में जान सकते हो। और दोस्तों जी है एक कार्ड जिसमें दोस्तों इसकी इस फ़ोन की दोस्तों जो डिस्प्ले है उसके बारे में बताया गया है कि इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों जी है एक कवर जो दोस्तों रबड़ टाइप का है पर दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। जी है दोस्तों डिवाइस, इसे साइड में रखता हूँ मैं। जी है इसकी डाटा केबल जो दोस्तों सी टाइप केबल है, ये देखिए यूएसबी टाइप सी केबल है इसकी। और दोस्तों मेन चीज़ जो है इसका चार्जर, ये दोस्तों सुपर डार्ट चार्जर जो कि दोस्तों 65 वॉट का चार्जर है, ये देखिए 65 वॉट का चार्जर है और मेड इन इंडिया वाला, दोस्तों मेड इन इंडिया में ही बनाया है। और दोस्तों लास्ट में आती है इस बॉक्स के अंदर एक सिम इजेक्टर टूल, ये देखिए ये पिन। और दोस्तों इस बॉक्स में कुछ नहीं है, आपको इस फोन में इस बॉक्स में ईयरफोन नहीं मिलते। चलिए दोस्तों साइड में करता हूँ
और आपको दिखाता हूँ फ़ोन। दोस्तों ये है वो मोबाइल। वैसे दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग काफ़ी पहले हो चुकी है, बट दोस्तों मैंने इसको मंगाया है फ्लिपकार्ट सेल से। कितने का मंगाया है ये मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मैं आपको इस सामने अनबॉक्सिंग करता हूँ, दिखाता हूँ इसका कलर वगैरह, डिज़ाइन वगैरह। दोस्तों देखिए ये है मिरर ब्लू, जो दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। दोस्तों जो बैक है ये प्लास्टिक की होती है, बट जब आप इसे अपने हाथ में फील करोगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई प्लास्टिक का डिवाइस पकड़ा हुआ है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई ग्लास बॉडी का डिवाइस पकड़ा हुआ है। क्योंकि दोस्तों मेरे पास सैमसंग का भी फ़ोन है, सैमसंग F41, जिसका दोस्तों बैक पैनल है प्लास्टिक का है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, जी मेरे पास सैमसंग का F41 है, जो दोस्तों प्लास्टिक का बैग है और ये प्लास्टिक का है। बट दोस्तों इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये आपको क्लियर दिख रहा है प्लास्टिक है, और बट दोस्तों ये आपको नहीं लगेगा, ये एकदम स्मूथ है। थोड़ा इसमें आपको ऐसा लगेगा कि इसमें आपको ग्लास टाइप दिया गया है। तो इसमें आपको चार कैमरे दिए गए हैं। जो मेन कैमरा वो 64 मेगापिक्सल का। दोस्तों इसके फ्रंट में आपको यहाँ पर साइड में दिया गया है 32 मेगापिक्सल का एक कैमरा। दोस्तों इसमें आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें दोस्तों आप 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड ला सकते हो, जिसका पावर की बटन है। और दोस्तों इस साइड में आपको वॉल्यूम अप डाउन का बटन मिल जाते हैं। ये दोस्तों सिम ट्रे, जिसमें आप 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। मेरे पास दोस्तों 6 GB और 128 GB वाला वेरियंट है, जिसमें दोस्तों आप मेमोरी कार्ड भी अलग से लगा सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ, फिर आगे उसके बाद इसकी बात करता हूँ। और दोस्तों हाँ, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि दोस्तों इसके ऊपर हमें एक स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिलता है। गिलास तो नहीं है दोस्तों, जैसे टेम्पर ग्लास होते हैं, बट इसके ऊपर हमें जो पिन्नी टाइप से लगी हुई मिलती है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है कि अगर आपके पास ये नया फ़ोन आया है तो आपके पास दोस्तों इसमें गिलास लगा हुआ भी मिलता है पिन्नी टाइप वाला, और साथ में दोस्तों देखिए ये कवर भी मिलता है। तो आपको मार्केट में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एकदम से कि आपको इसका कवर लेना है या इस पर ग्लास लगवाना, क्योंकि आप टेम्परेली फिलहाल दोस्तों इसे यूज कर सकते हो, और जब आपको टाइम मिलता है तब आप मार्केट से जाकर इस पर ग्लास लगवा सकते हो। तो मैं आपको इसकी फिटिंग दिखाता हूँ कि कैसा लगता है दोस्तों ये कवर लगाने के बाद। तो दोस्तों देखिए कवर लगाने के बाद दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका कलर दो क्लियर दिख रहा है कवर के ऊपर से भी। तो मैं इसको ऑन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसको पहले मैं सेट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको फिर दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने इसको सेटअप कर लिया है, और दोस्तों इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो। ये देखिए इसमें आपको अपडेट भी दिया गया है, और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इसके अंदर फालतू ये एप्लीकेशन दी गई हैं जिन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों देखिए इसमें आपको इसका नोटिफिकेशन पैनल दिखाता हूँ। दोस्तों इसकी डिस्प्ले काफ़ी लाइट है, इसकी ब्राइटनेस दोस्तों फुल नहीं है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले है। दोस्तों देखिए ये वो इसकी फुल, तो हमें अब इसमें दिख नहीं रहा है क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने इसकी फुल कर दी है ब्राइटनेस। मैं कम करता हूँ तो आप देख सकते हो इजीली कि इसकी ब्राइटनेस क्या सही है और क्या है। और दोस्तों इसमें मुझे एक ही चीज़ खराब लगी, वो है इसका दोस्तों इसमें फ़ोन डायलर और मैसेज। दोस्तों ये दोनों हमें मिलते हैं इसमें गूगल वाले, जो दोस्तों हमें रियलमी के मिलने चाहिए थे, जिसमें दोस्तों हमें रियलमी के कुछ फंक्शन मिलते थे, बट ये दोस्तों हमें मिलते हैं गूगल वाले, जिसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग लगाते हो अपने फ़ोन में तो सामने वाले बंदे को पता लग जाएगा कि आप कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हो। तो दोस्तों ये चीज़ मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी, बाकी दोस्तों सब कुछ सेम है। मैं आपको इसको एक कैमरा सैम्पल दिखाता हूँ खींच के फ़ोटो। ये देखिए कैमरा क्वालिटी दोस्तों उसकी काफ़ी अच्छी है। देखिए मैंने इसको जूम कर दिया, फिर भी दोस्तों ये फ़ोटो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि फटा हुआ है जूम करने के बाद भी। और दोस्तों इसके अंदर हमें मिलती है सुपर डार्ट चार्जिंग, और दोस्तों स्नैपड्रैगन का 720G, जो दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की तरफ से। बट हाँ दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये फ़ोन दोस्तों 5G नहीं है, जो 4G को ही सपोर्ट करता है।
अब वैसे भी दोस्तों इंडिया के अंदर भी 5G आया नहीं है, तो 5G का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने इसको 72,000 से परचेज किया है 6 महीने की EMI के ऊपर, जिसमें दोस्तों मुझे 2700 रुपये की EMI पे करनी है हर महीने, जिसमें दोस्तों मुझे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना, ना ही दोस्तों कोई मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना है। 16,000 रुपये में दोस्तों मैंने पढ़ा है, जो मुझे 6 महीने में देने हैं। तो दोस्तों 16,000 रुपये में ये फ़ोन आज की डेट में काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हमें दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर मिलते हैं, और ये सेल के अंदर आपको 16,000 रुपये का मिल रहा है, बट दोस्तों आज भी इसकी प्राइस 20,000 रुपये है, जो दोस्तों 8 से 9 महीने पहले थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।